नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डैनी। हिंदी सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में से एक हैं जो अपने संवाद अदायगी और खूंखार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जो भाई जी का पर्दाफाश करता है, भाई जी उसके पेट का पर्दाफाश डालता है। एक ही झटके में जिंदा सांपों की खाल खींच लेता हूं मैं। बहुत भयानक मौत मारूंगा तुझे। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंगरेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। डैनी साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सकारात्मक भूमिकाओं से किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं में ज़्यादा लोकप्रियता मिली और वह हिंदी सिनेमा जगत के महान खलनायक बन गए। आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आतार की बारी है हिंदुस्तान को हड़पने की। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ न किसी के सामने चल कर जाते हैं न किसी के सामने झुकते हैं। साल 1971 में जरूरत फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले डैनी साहब ने अपने 5 दशक लंबे करियर में 190 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभी तो हम हुए चम सुन कसम से लागो तेरे कदम से, तू चलिया चलिया मेरी महबूबा। कौन हो मेरे सूरज चंदा तारे लाली है सवेरे वाला, कहो कहाँ चले हमसे तुम मिले। धुंध, चोर मचाए शोर, काली चरण, लैला मजनू, बुलंदी, हमसे बढ़कर कौन, अग्निपथ, बलवान, घातक, क्रांतिवीर, इंडियन, लक जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले डैनी साहब एक उच्च स्तर के गायक भी थे। बता दें कि डैनी साहब अपने करियर के शुरुआत में हिंदी और नेपाली फिल्मों में गीत भी गाते थे। डैनी साहब, किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी जैसे महान गायकों के साथ कई गीत गा चुके हैं। आज हम उन्हीं में से 2 गीतों को प्रस्तुत करेंगे जिसे डैनी साहब ने किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब और आशा जी के साथ मिलकर गाया था, और जिसे सुनकर किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब भी तारीफ किए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1978 में सुदेश गुप्ता के द्वारा निर्मित और महेश भट्ट के द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी नया दौर, जिसमें ऋषि कपूर, भावना भट्ट, डैनी, फरीदा जलाल इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में कुल 4 गीत रखे गए थे जिन्हें लिखा था आनंद बख्शी ने तथा संगीतबद्ध RD बर्मन ने किया था, जिसमें से 2 गीतों में डैनी साहब ने भी आवाज़ दिया था। दरअसल डैनी साहब फिल्म में दूसरे हीरो की भूमिका में थे और उन पर 2 गीतों को फिल्माया जाना था, इसलिए RD बर्मन ने सोचा कि क्यों ना डैनी साहब पर फिल्माए जाने वाले गीतों को उन्हीं से गवाया जाए, क्योंकि डैनी साहब उस वक्त हिंदी और नेपाली फिल्मों में सक्रिय रूप से गीत गा रहे थे। जब बर्मन साहब ने डैनी साहब से इस बारे में बात किया और बताया कि आपको 2 गीत गाने हैं जिसमें किशोर साहब, रफ़ी साहब और आशा जी साथ होंगे, तो डैनी साहब बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें किशोर साहब, रफ़ी साहब और आशा जी जैसे महान गायकों के साथ गाने का मौका मिल रहा था। पहले गीत के बोल थे, मुझे दोस्तों तुम गले से लगा लो, मेरा और कोई सहारा नहीं, जिसमें डैनी साहब का साथ रफ़ी साहब और आशा जी ने दिया था, जो ऋषि कपूर, डैनी और फरीदा जलाल पर फिल्माया गया है। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। मुझे दोस्तों तुम गले से लगा लो, मेरा और कोई सहारा नहीं, ओ हमी है जो एक दूसरे के है साथी, जमाने में कोई हमारा नहीं। ओ शराफत से देखा बहुत काम लेके, जीऊंगा मैं अब तक बेइल्जाम लेके, हर जगह दिल का पैगाम लेके, पुकारा मैं हर एक का नाम लेके, मेरा नाम कोई पुकारा नहीं, यहाँ भी तुम्हारा गुजारा मेरा और कोई सहारा नहीं, ओ हमी है
जो एक दूसरे के हैं साथी, जमाने में कोई हमारा नहीं। चलो तोड़ दें जिंदगी के भरम को, खुशी से लगा लें गले अपने गम को, भुला जाने दुनिया की झूठी शर्म को। कसम जान की इस जमाने ने हमको बिगाड़ा है लेकिन सवारा नहीं, मेरा और कोई सहारा नहीं। दूसरे गीत के बोल थे, पानी के बदले पीकर शराब, कांटों में हम ढूंढें गुलाब, जिसमें डैनी साहब का साथ किशोर साहब ने दिया था, जिसे ऋषि कपूर और डैनी पर फिल्माया गया था। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। बदले पीकर शराब, कांटों में हम तुम ढूंढे गुलाब। हाँ, पानी के बदले पीकर शराब, कांटों में हम तुम ढूंढे गुलाब। गलियों में देखे महलों के ख्वाब, हाँ, गलियों में देखे महलों के ख्वाब। अरे नींद आई है मुझे मेरे यार, सोने तो दो सोने तो दो, बोतल खाली होने तो दो। गम के सिवा है क्या अपने पास, बचपन से हम नौजवान हैं उदास। सीने से बढ़ती है दिल की प्यार, हंसना अगर मुश्किल है तो फिर रोने तो दो रोने तो दो, बोतल खाली होने तो दो। हम हैं अकेले महफिल नहीं, कश्ती तो है पर साहिल नहीं। अपनी कोई भी मंजिल नहीं, मंजिल नहीं तो रास्ते में कहीं। खोने तो दो खोने तो दो, बोतल खाली होने तो दो। करना है क्या अब अरमानों को, फुटपाथ के इन मेहमानों को। समझाओ ना कुछ दीवानों को, समझाओ ना कुछ दीवानों को। ए, मैं होश में हूँ दीवाना, मुझे सोने तो दो सोने तो दो, बोतल खाली होने तो दो। दोनों गीतों को सुनने के बाद यह स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि डैनी साहब एक प्रोफेशनल गायक थे। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया। यदि वह गीत गाना जारी रखे होते तो वह एक बहुत बड़े गायक बन सकते थे। यदि इन गीतों का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सुपर थैंक्स के माध्यम से इच्छित मुद्राएं देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को डैनी साहब के द्वारा गाए गए गीत कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।